नहीं चला रही हूँ। लड़की ठीक से भिगाने में लगी। मेरा कैमरा जगह पर हमने फ्राई राइस और मैगी खाई थी भैया, मेरा ब्लॉग खराब करवा दी। फिर घूम गए। कैसे हो मेरे ब्लॉग्स के चाहने वाले। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं सात ताल में नहीं गई आज तक, तो ट्राई कर लेते हैं। पहले हम नैनीताल जा रहे थे, ठीक है, बट फिर मैं लास्ट टाइम भी नैनीताल गई थी और क्या करती वहाँ पे जाके, तो अब मैं सात ताल जा रही हूँ। बाकी मिलते हैं आपको रास्ते में या फिर ऊपर पहुँचने के बाद। बाय। लेके नहीं जाता होगा कोई। सो गाइस, हम फाइनली पहुँच गए हैं भीमताल। यहाँ से मुझे नहीं पता कहाँ को है सात ताल, हम मैप में देख के जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था रास्ते पे, क्लाउडी वाला, फॉग भी था, बट बहुत सही लग रहा है। इसमें बारिश पड़ रही है। जो एडवेंचर बोट है इसमें जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? अबे इसमें तो चिल रहा है पीछे। मुझे चलाने भी नहीं आते और मैं इनमें पहली बार बैठ रही हूँ। और चलाने भी नहीं आते। छोड़ो, चलाते हैं राइट, चलाते हैं लेफ्ट, चलाते हैं अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है? अच्छा, समझ गए। इससे हम लोग पानी में उतर चुके हैं और बारिश भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मैं मारूंगी, व्लॉग बनाऊं भाई। पहले थोड़ा पानी में ले जाते हैं इस बोट, उसको उसके बाद करी। तो आज मैं सच में ये पहली बार चला रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। बट एकदम स्पीड से जा रही है। राइट वाला चला, राइट वाला। कहाँ गए? तू मत चला, एक सेकंड रुक जाएगी। ये है चलाने वाली, यहाँ हाथ से चला, जो हाथ से चला रही है। दिखा दिखा दिखा। गाइस मुझे इसकी चलाना भी आता है, बोलो। बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वापस जाना है वहाँ पे, बट कैसे जाएँ, चल ही नहीं रही है, मतलब चलानी नहीं आती, मतलब हमें मतलब हम अपने सही रास्ते पर पहुँच गए, अब जाएंगे। बारिश तेज़ हो रही है, हमें और जगह भी घूमने जाना है। सीधे पानी पे नहीं आ रहे, अभी घुमाई थी, घूम गए। हमको इतने दूर जाना है, बीच में फंस पड़े यार। हम घूमने आए थे, धूप आनी चाहिए थी आज। बारिश क्यों आई? इतनी भी नहीं पसंद मुझे बारिश। पैंट भी भीग गई, पूरी पैंट भीग गई आगे पीछे से, और ये लड़की पीछे से भिगाने में लगी। मेरा कैमरा अच्छा हुआ वाटरप्रूफ है, ये इतने गंदे ताल के पानी से बॉडी में पड़ रहा है। तुम्हारा फोन भी है? अब लेफ्ट, राइट वाला, राइट। और कैसे हो मेरे ब्लॉग्स के चाहने वालों? मत भिगाओ यार, मत भिगाओ। फोटोज भी नहीं क्लिक किए एक भी अभी तक। हाँ, इस आउटफिट पे पूरा पीछे से पानी पानी हो गया जहाँ बैठी हूँ मैं। कैसे पानी में डूब के चल जाते हैं वहाँ पे, मुझे पता है कि पूरा डूब जा रहा है, फिर भी पता नहीं चल रहा कितना गहरा है। फिर घूम जा रहे। चल बाय। मेरा फाइनली उतना मारते घुमाते उतर गए उससे, और वो पता नहीं कहाँ है जिसकी बोट थी। अच्छा, उसके चाबुक यहीं पे हैं, उसका ये लाइफ जैकेट यहीं पे है।
यार सच में इतनी कमर दर्द हो गई और हाथ हाथों में दर्द हुई बहुत ज़्यादा। इतना पानी इतना अजीब सा वहाँ पे जहाँ पे हम आ रहे थे वहाँ से फिर हमें घुमा दे रहा था, फिर घूम जा रहे थे, पर फाइनली पहुँच गए हैं तो सही है। जो भी है बाय, मिलते हैं थोड़ा सूखने के बाद, थोड़ी भीग गई मैं तो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज बहुत ठंडा हो गया है, भीग गए थे काफ़ी ज़्यादा, ऊपर को शायद धूप रही। दुकानें भी यहाँ पे सब बंद सी हैं, एकदम बंद बंद, कुछ खाने का ये भी होगा ऊपर को देखेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। ऊपर जहाँ पे धूप आएगी वहाँ पे जाना है। कपड़े गीले हो गए, भिगा दिया मैडम ने, हमें खुद भी भीगी, हमें भी भिगा दिया। हाँ बाय गाइस, हम अब एक दूसरी झील में जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे बोटिंग वगैरह नहीं होती, बस नॉर्मल झील है जो स्टार्टिंग पे मैंने दिखाया नहीं था, एक छोटी सी झील दिख रही थी लेक सा, तो वहीं को जा रहे हैं, वही है शायद, लगता है मेरे को ऐसा वही है, वही होगी मतलब। तो यहाँ पर लिखा है खतरा, सावधान, झील गहरी है और खतरनाक है। हाँ और दीदी क्या बोल रही है, वहाँ अलाउड करना, वहाँ जाना मना है, मना नहीं है, झील गहरी है। खतरा लिखा था तो मुझे ऐसी लगा ना, पूर्व में कई लोग इसमें डूब चुके हैं, पानी से दूर रहे, पकड़े जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी जाएगी। हम कौन सा झील के अंदर घुस रहे हैं, दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर को है, सीसीटीवी के कैमरे में है, एक रास्ता इसके अंदर है, यहाँ से जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं झील में, सो गाइस झील, सच में गहरी होगी क्या ये, वो गहरी। हमने फोटोज वगैरह क्लिक की यहाँ पे काफी सारी और अब हम जा रहे हैं स्कूटी के पास, फिर घर को तैरने। और यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, जंगल, किसी को जंगल, जिसको जंगल वगैरह फॉरेस्ट सही लगता है उसके लिए काफी सही है। तो हम यहीं से गुजर रहे थे, यहाँ पे हर चीज जो है वो 5 रुपए की है। ये बन गए रील, ये बन अंदर साइड बैठो, नहीं मैं बैठ। जो बैठी थी वहाँ पे झूले के पास, वो मेला जो था वो भीमताल पे लगा हुआ था, तो हम भी चले गए देखने ऐसे, तो वहाँ पे झूले थे एक दो, उनमें हमने झूला, हालत ख़राब हो गई थी एकदम डाउन वाली, वो जितनी भूख लग रही थी ना वो सब मतलब वॉमिट करना करने वाला टाइप्स दीदी को हुआ था, मुझे हल्का बहुत, ज़्यादा नहीं हुआ। मम्मी व्यू छोड़ के जा रहे हैं नीचे को और हम पे बहुत मिस लग गई है बहुत ज़्यादा। चलो रोटियाँ पकड़ने बैठे, खाया हमने अभी बहुत, बाय, मुझे मिलेंगे एक जगह, फ्राइड राइस और मैगी खाई थी, इतनी बकवास थी वो, बहुत ही ज़्यादा हमारे। और हम यहाँ पे एक जगह भुट्टा उगरवा रहे हैं, वो इतने छोटे छोटे भुट्टा दे रहे हैं, लूट रहे 30 रुपए के छोटे भुट्टे दे रहे, खा लो भुट्टा, वैसे ये सही है,
ओजी का फोन आ गया। ये मेरी ओजी का फोन आ गया है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जोर ना, यहाँ पे कुछ भी खाते तो पहले थोड़ा सा मंगाना, उसके बाद ज़्यादा का ऑर्डर देना। तो हमने ना एकदम से ही ज़्यादा का ऑर्डर दे दिया था, तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और गाइस 8 बज चुके हैं, गाइस 8 बज चुके हैं और अभी तक हम घर नहीं गए। फिर बोलना चाहोगी? ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है गाइस, ये आइसक्रीम सच में बहुत टेस्टी हो रही है। मैंने खाई नहीं, वैसे दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है। कैसी लग रही है वो देख लो, मैं प्राइस नहीं बता सकती इसका। आप लोग खुद बता रहे कितने की है। हमें घर जाके ये है बहन का प्यार, आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मैं इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं रही है। उत्तराखंड हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को भी हमारा उत्तराखंड घूमने के लिए आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो यूपी की थी तो यूपी में रहती थी। हाँ सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अब किसी और शख्स के साथ, हर बार अलग अलग आता रहता है। बाय। Are we? This is me. Bye bye.